हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम गॉस के प्रमेय का लास्ट डेरिवेशन पढ़ेंगे, यानी कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और आपकी बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो ये 12th फिजिक्स चैप्टर 1 का लास्ट वीडियो है और गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग का ये लास्ट डेरिवेशन है। ठीक है, तो देखिए है क्या, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें व्यंजक निकालना है। ठीक है, इंग्लिश में हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते क्या है, इसका चित्र बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश का हम चित्र बना लेते हैं, तब आपके समझ में ये आएगा। तो देखिए, यहाँ पर एक गोले की बात की जा रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक इस प्रकार से, ठीक है, आप लोग और गोल बना सकते हैं तो बना लीजिएगा। इस प्रकार से एक गोलीय कोश है। ठीक है, इसका जो केंद्र है, ये इसका जो सेंटर है वो है ओ, इसके सेंटर को हमने नाम दिया है ओ। अब क्या कहा जा रहा है, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश। अब देखिए, पहले इसकी त्रिज्या हम जान लेते हैं कितनी है। तो इसकी त्रिज्या कितनी है, तो यहाँ से इसकी त्रिज्या जो है यहाँ तक वो कितना है, कैपिटल आर है। ठीक है, कैपिटल आर है, समझ में आया। अब देखिए, कहा गया है कि एक समान रूप से आवेशित, तो क्या है, इस पर क्यू आवेश जो है एक समान रूप से वितरित है। तो देखिए, प्लस क्यू आवेश इस गोलीय कोश पर एक समान रूप से वितरित है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके चारों ओर आवेश की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आवेश एक समान रूप से वितरित है। देखिए, ध्यान से समझिएगा, चित्र समझ में आ जाएगा तो आप इस डेरिवेशन को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया है, एक गोलीय कोश लिया है जिसका केंद्र ओ है, इससे केंद्र की, इस गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है और इस गोले के पृष्ठ पर, इस गोले कोश के पृष्ठ पर धन आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब देखिए, इसमें तीन कंडीशंस हमें निकालनी है। नंबर वन, हमें क्या करना है, कोश के, इस गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर जिस पर धनावेश वितरित है इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इस गोलीय कोश के भीतर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कि तीन केस हैं हमारे पास, एक कोश के बाहर, एक कोश के पृष्ठ पर और एक कोश के अंदर, तीनों जगह हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम इस गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए, इस गोलीय कोश से r दूरी पर एक बिंदु स्थित है जिसको हमने नाम दिया है P। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक बिंदु है स्थित जिसका नाम क्या है, इसका नाम है P। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो देखिए, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा गोला आप लोग और अच्छे से बना पाइएगा। ठीक है, ये एक गॉसियन पृष्ठ की हमने कल्पना कर दी है। अब देखिए, इनके बीच की दूरी कितनी है, बिंदुओं से इस बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है, तो इनके बीच की दूरी जो है वो है R। ठीक है, इनके बीच की दूरी है स्मॉल R। ठीक है, इस बिंदुओं से बिंदु P के बीच की दूरी है स्मॉल R। अब इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हमें क्या करना होगा, एक छोटा सा अल्प क्षेत्रफल लेना होगा। ठीक है, एक छोटा सा हमें क्या लेना होगा इस बिंदु P पर। तो देखिए, हमने यहाँ पर जो बिंदु P लिया है, ये एक क्षेत्रफल अवयव है। ठीक है, अब इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है, वो कितनी है, E वेक्टर। ठीक है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पूरे गोलीय कोश में एक समान होगा, और जो ये क्षेत्रफल अवयव है ये है dA वेक्टर। ठीक है, मैं बहुत सारे डेरिवेशन करा चुका हूँ और मैं आपको ये बता चुका हूँ। ठीक है, गोलीय कोश के लंबवत जो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है, इसकी दिशा और dA वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल अवयव की दिशा जो है वो समान होगी। ठीक है, तो समझ में आया। देखिए, यहाँ पर एक बार फिर से समझते हैं, गोलीय कोश के बाहर है, ये जो गोलीय कोश हमने लिया था इसके बाहर ये बिंदु P स्थित है। अब इसके अंदर भी हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पर भी ऐसे ऐसे कर देते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक पृष्ठ है जो कि इस गोलीय कोष के अंदर है, ठीक है। तो इस पर भी हम क्या करेंगे, पी डैश की कल्पना करेंगे। तो समझ में आया, हमने एक गोलीय पृष्ठ लिया है जो कि ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, गोलीय कोष लिया है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, ठीक है। इस पर धन आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब देखिए हमें तीन कंडीशंस हैं, एक गोलीय कोष के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, एक गोलीय कोष के पृष्ठ पर और एक गोलीय कोष के भीतर, ठीक है, अंदर। तो सबसे पहले हम बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो मान लीजिए बिंदुओं से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर है और जो क्षेत्रफल अवयव है वो डी ए वेक्टर है, ठीक है। और हमने एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है। अब देखिए हम लोग बिंदु ओ से बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आप कुछ चीज़ें लिख भी सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूँ कि माना कि त्रिज्या आर, देखिए कैपिटल आर, ठीक है, का की एक विलगित गोलीय कोष है जिस पर आवेश प्लस क्यू एक समान रूप से वितरित है। हमें इस कोष के बाहर, कोष के पृष्ठ पर और कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम कंडीशंस लगाएंगे वाह बिंदु पर, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे वाह गोलीय कोष के वाह बिंदु पर, ठीक है, यानी कि इस गोलीय कोष के इस वाह बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो लेंगे वो स्मॉल आर जो होगा वो कैपिटल आर से बड़ा होगा। देखिए ये स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से बड़ा है क्योंकि जो बिंदु वो है यहाँ से बिंदु पी की दूरी स्मॉल आर है, ठीक है, और जो कैपिटल वो है ये जो गोलीय कोष है इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। तो जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर से छोटा है, ठीक है, जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से बड़ा होगा। तो वही यहाँ पर लिखा गया है स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डी ए वेक्टर क्षेत्रफल अवयव डी ए के कारण हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल अवयव डी ए, ठीक है, से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है डेरिवेशन लेकिन समझना जरूरी है। तो डी ए से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो हम लिखेंगे इसके लिए जो वैद्युत फ्लक्स लेंगे वो डी फाई ई लेंगे, ठीक है, क्योंकि छोटे से क्षेत्रफल अवयव के लिए हम निकाल रहे हैं तो डी फाई ई लेंगे। तो डी फाई ई इक्वल टू, मैंने आपको बताया था ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होता है फार्मूला, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को मैंने आपको बताया था कि आप लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा के स्थान पर हम क्या रखेंगे, तो देखिए ई और डी ए जो ई वेक्टर है और डी ए वेक्टर है इसकी दिशा समान है तो इसका जो कोण होगा वो जीरो डिग्री होगा, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, कॉस जीरो डिग्री रख देंगे, ठीक है। अब देखिए डी फाई ई इक्वल टू कॉस जीरो डिग्री की वैल्यू होती है एक, तो कॉस जीरो डिग्री इक्वल टू, चूँकि कॉस जीरो डिग्री इक्वल टू वन, सो यहाँ पर आपका ई डी ए गुड़े एक हो जाएगा तो आपका बचेगा ई डी ए, ठीक है। तो इतना आपका आ चुका है कि डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए। अब देखिए हमने छोटे से क्षेत्रफल अवयव डी ए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कि इस छोटे से क्षेत्रफल के लिए हमने वैद्युत फ्लक्स निकाला है। अब संपूर्ण अगर हमें गॉसियन पृष्ठ के कारण निकालना है तो क्या करेंगे, तो देखिए अब हम डालेंगे हेडिंग, ठीक है, कि संपूर्ण लिखेंगे हम लोग संपूर्ण गॉसियन अतः लिख लीजिएगा, ठीक है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स, ठीक है।
तो हम लोग करेंगे क्या, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फाई ई जो है आपका, ठीक है, फाई ई संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए जो आपका वैद्युत फ्लक्स होगा, इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए वो फाई ई होगा। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो नियत रहेगी, और डी ए वेक्टर जो है छोटा सा हमने लिया था, लेकिन पूरे का हमें निकालना होगा, ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन। तो हम लिखेंगे फाई ई इक्वल टू, ये जो आपका इसका सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे डी फाई ई का, तो डी फाई ई इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए ई डी ए था तो इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे सरफेस इंटीग्रेशन, तो आपका हो जाएगा ई डी ए, ठीक है, इसका हमने क्या किया सरफेस इंटीग्रेशन किया है, तो ई डी ए आपका आ जाएगा। अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू ई डी ए को हम क्या लिख सकते हैं, डी फाई ई का जब आप सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई ई रहेगा, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमने कहा कि ई जो आपका है ये नियत रहता, तो ई को बाहर निकालेंगे, और जो आपका डी ए है इसका इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन कर देंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका एक गोलीय कोश है, तो गोलीय कोश का क्षेत्रफल जो होता है तो उसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, तो समझिए चूंकि सरफेस इंटीग्रेशन डी ए इक्वल टू होगा 4πr², क्योंकि गोले का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4πr², ठीक है, तो हम लिखेंगे ब्रेकर में लिख देते हैं गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, तो हम लोग क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन डी ए के स्थान पर लिख देंगे 4πr², तो चलिए लिखते हैं फाई इक्वल टू ई छोटे ब्रेकर में 4πr², तो फाई ई की वैल्यू आई ई 4πr², इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए ये आपका इतना आ गया, अब हम लगाएंगे गॉस का परमेय, तो लिखेंगे गॉस के परमेय से, तो मैंने आपको बताया कि गॉस के परमेय इक्वल टू फाई इक्वल टू उन्होंने बताया था क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये आपको बताया गया है, तो गॉस के परमेय से फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर दो। अब देखिए समीकरण एक और समीकरण दो में एल एच एस बराबर है लेफ्ट हैंड साइड, तो आपका एल आर एच एस भी बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं ई 4πr² इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो हम लिखेंगे समीकरण एक व दो से, ठीक है, तो लिख लेंगे हम ई 4πr² इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम सिंपली क्या लिख सकते हैं ई इक्वल टू, देखिए हम क्या लिखेंगे 1 अपान, देखिए ये 4 ये सब नीचे आ जाएंगे इसके, तो हम लिख देंगे 1 अपान 4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, देखिए क्यू यहाँ पर आपका पहले था तो क्यू लिख दिया हमने, 4π यहाँ पर नीचे आएगा तो नीचे लिखा है, एप्सिलॉन नॉट नीचे था नीचे, ये आर स्क्वायर इसके नीचे हमने लिख दिया, यानी कि सिंपल वही चीज़ें मैंने लिख दी है, ठीक है, तो यही आपका होगा, ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 3, ठीक है, यही जो है ई इक्वल टू 4 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर, अतः स्पष्ट है कि किसी बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के लिए यही सूत्र है, एक समान आवेशित गोलीय बिंदुओं के लिए ठीक वैसे व्यवहार करती है जैसे संपूर्ण आवेश कोश के केंद्र पर स्थित हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन और है, ये तो आपका आ गया वाही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन एक कंडीशन है, मान लीजिए कि आपका जो पृष्ठ घनत्व है, ठीक है, यदि गोलीय कोश का लिख देते हैं, यदि गोलीय कोश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तब, यदि मान लीजिए कि गोलीय कोश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, मैंने आपको बताया कि जो गोलीय कोश है उस पर धन आवेश एक समान रूप से वितरित है, ठीक है, तो पृष्ठ घनत्व क्या होता है, किसी एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ घनत्व कहते हैं, ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू फार्मूला जो होता है वो होता है क्यू अपान ए, ठीक है, क्यू अपान ए, यानी कि किसी एक पार्टिकुलर एरिया पर जितने आवेश उपस्थित होंगे उसको हम कहेंगे आवेश पृष्ठ घनत्व, गोले आवेश का पृष्ठ घनत्व, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू
सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान, अब देखिए गोले का क्षेत्रफल, गोले के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4πr² ठीक है, सभी को पता है क्या होता है 4πr². तो यहाँ से अगर हम q की वैल्यू निकालें, इसकी q की वैल्यू निकालें तो q इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4πr² स्मॉल r ठीक है, r स्क्वायर सिग्मा, q इज इक्वल टू 4πr². तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर आपका कैपिटल R होगा ठीक है, क्योंकि गोलीय कोष के पृष्ठ पर जो है आपका जो त्रिज्या है उसकी वो कैपिटल R है। चलिए दिखा देते हैं चित्र में, ये देखिए ये जो आपका कैपिटल R है ठीक है, ये गोलीय कोष की त्रिज्या है। तब जब हम इस गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे, गोलीय कोष का क्षेत्रफल लेंगे तो कैपिटल R को हम यूज करेंगे, तो इसीलिए मैंने वहाँ पर कैपिटल लिखा है। तो समझ में आया, तो q इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4πr² सिग्मा। अब देखिए q का मान हम रखेंगे, q का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है, 3 में रखने पर ठीक है, q का मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, ये जो आपको ऊपर आया है e इक्वल टू 1/4πε₀ q/r², तो हम लिखेंगे e इक्वल टू 1/4πε₀ q/r² ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, e इक्वल टू 1/4πε₀ q के स्थान पर हम ये वैल्यू रख देंगे, तो 1/4πε₀ (4πr² σ/r² देखिए 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, फाइनली जो आपका आएगा e इक्वल टू वो आ जाएगा आपका σ/ε₀ इंटू, देखिए इस सिग्मा को हमने ले लिया है, इस ε₀ को ले लिया है, इंटू r² / r² इतना आपका आ जाएगा गोलीय कोष के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि आपका पृष्ठ घन तो सिग्मा हो तो देखिए सिग्मा ये हमने ले लिया ε₀ है, तो σ/ε₀ R² / r² सेम वही चीज़ है ठीक है। अब गोलीय कोष के अभी हमने बाहर निकाला है, अंदर बहुत सरल है, अंदर कैसे निकालेंगे, सॉरी जो आपका गोलीय कोष के पृष्ठ पर अब हम निकालेंगे तो बहुत ही ईजी है वो। तो देखिए अब हम लोग निकालेंगे कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पृष्ठ का मतलब ये गोलीय कोष आपका जो ग्रीन कलर का है, इसके पृष्ठ पर देखिए पृष्ठ पर जो धनावेश एक समान रूप से वितरित हैं इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मान लीजिए ये बिंदु P जो है इस पृष्ठ पर आ गया है ठीक है, तो जब बिंदु P इस पृष्ठ पर आ जाएगा तो जो आपका ये कैपिटल R है ठीक है, वो इस स्मॉल R के बराबर होगा, क्योंकि जब ये P जो है आपका ये पृष्ठ पर आ जाएगा तो O से यहाँ तक की दूरी R होगी, तो O से यहाँ तक की दूरी अगर R हो गई ठीक है, तो इसी पृष्ठ पर जो आपका ये कैपिटल R भी स्थित है, तो जो जितनी दूरी कैपिटल R की होगी उतनी दूरी ही स्मॉल R की होगी। तो पृष्ठ पर जब होगा इस कंडीशन में जो आपका स्मॉल R है वो कैपिटल R के बराबर होगा, समझ में आया, क्योंकि पृष्ठ पर हम निकाल रहे हैं तो इस पृष्ठ पर जब आ जाएगा तो O से इस बिंदु P की दूरी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक होगी, वही आपका वहाँ से वहाँ तक है, तो ये कैपिटल R और स्मॉल R आपका बराबर हो जाएगा ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, अब समीकरण 3 से हम लोग इसको भी सॉल्व कर देंगे ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 से ठीक है, समीकरण 3 मैंने आपको बताया था E इक्वल टू 1/4πε₀ q/r² ठीक है, q/r². अब देखिए इतना समझ में आया आपको। अब देखिए हम क्या करेंगे, तो देखिए जो ये आपका आया था वाह बिंदु के कारण बिंदु क्षेत्र की तीव्रता ठीक है, वाह बिंदु पर इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 4, क्योंकि समीकरण 4 से ही अभी हम पृष्ठ पर ज्ञात करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 4 ठीक है। तो समझ में आया, आपका जो समीकरण 3 से हमने निकाला E इक्वल टू 1/4πε₀ q/R², क्योंकि समीकरण नंबर 3 में आपका स्मॉल R स्क्वायर था, तो स्मॉल R इक्वल टू कैपिटल R होगा कोष के पृष्ठ पर, तो यहाँ पर हमने कैपिटल R लिख दिया है ठीक है। अब हम क्या करेंगे समीकरण 4 से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो समीकरण नंबर 4 मैंने आपको निकाल कर बताया ठीक है, कि E इक्वल टू सिग्मा अपान
एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया ठीक है। जब मैंने आपको आवेश के वाह बिंदु पर जब मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली पृष्ठ घनत्व के संबंध में, तब ये आपका आया था अभी मैंने बताया ठीक है। तो ई इक्वल टू आपका हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया कि कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर हैं, तो इसके स्थान पर हम कैपिटल आर रख सकते हैं, दोनों कट हो जाएंगे। आपका जो आएगा ई इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ठीक है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका हो जाएगा गोलीय कोष के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी आपका वही होगा ठीक है। ये जो आपका है ये भी वही होगा, लेकिन अगर पृष्ठ घनत्व के बात करें तो आपका ये होगा गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमने निकाल लिया वाह बिंदु पर और गोलीय पृष्ठ पर, अब हमें तीसरा कंडीशन लगाना है यहाँ पर आंतरिक बिंदु पर ठीक है, आंतरिक बिंदु पर ठीक है। तो आंतरिक बिंदु पर क्या होगा, तो इसको हम चित्र के साथ समझते हैं चित्र में कि आंतरिक बिंदु में क्या होगा। तो देखिए आंतरिक जो आपका है वो ये है, जो आपका आंतरिक बिंदु है, आंतरिक जो है ये पृष्ठ वो इसके अंदर है ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझिए, जब हम यहाँ पर लिए थे तो ये आर जो स्मॉल आर था वो कैपिटल आर से बड़ा था, जब हमने पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ पर बिंदु पी को लिया तब कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर हो गए। अब हम जब इस पृष्ठ के इस गोलीय कोष के अंदर लेंगे, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया बिंदु पी, तो क्या होगा, जो ये स्मॉल आर की वैल्यू होगी वो कैपिटल आर से कम हो जाएगी ठीक है, क्योंकि देखिए ये कैपिटल आर जो है वो उस इस गोलीय कोष की त्रिज्या है, तो पूरा यहाँ तक लिया जाएगा। और जो स्मॉल आर अगर आपका ये अंदर आ जाए आंतरिक बिंदु पर, तो जो ओ से पी के बीच की दूरी होगी स्मॉल आर वो इस कैपिटल आर से छोटी हो जाएगी। तो आंतरिक बिंदु पर जो आपका होगा वो जो स्मॉल आर है वो छोटा हो जाएगा, किससे, वो छोटा हो जाएगा कैपिटल आर से ठीक है। तो आंतरिक बिंदु में आपका यही कंडीशन होगा कि जो आपका स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से छोटा होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ समझिए, आंतरिक बिंदु में माना कि कोष के भीतर एक बिंदु पी डैश है, देखिए इस कोष के भीतर एक बिंदु पी डैश है, चूँकि आवेश कोष के पृष्ठ पर वितरित है, जो आवेश है वो देखिए इस कोष के पृष्ठ पर है, ये जो गोलीय कोष है इसके पृष्ठ पर वितरित है, तथा कोष के भीतर कोई आवेश नहीं है, इसके भीतर जो है इस कोष के अंदर कोई भी आवेश नहीं है ठीक है। अतः बिंदु पी डैश से गुजरने वाला गौसियन पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं होगा, तो जब इसके अंदर कोई आवेश ही नहीं होगा तो गौसियन पृष्ठ से निर्गत जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो शून्य होगा। कैसे, देखिए तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कि पी डैश से खींचे गए गौसियन, मतलब समझ में आया, ये जो आपका पी डैश है इससे मैंने एक गौसियन पृष्ठ की कल्पना की है ठीक है, वो अंदर इस कोष के अंदर, तो वही मैं लिख रहा हूँ कि पी डैश से खींचे गए गौसियन पृष्ठ के अंदर आवेश शून्य होगा, आवेश शून्य होगा ठीक है। अतः गौस के प्रमेय से, गौस के प्रमेय से ठीक है, गौस के प्रमेय से, तो मैंने आपको बताया कि जो आपका होता है ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो फाई ई इक्वल टू होता है, फाई ई फाई ई इक्वल टू जो होता है वो होता है क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन ई डी ए ठीक है, इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस का प्रमेय था ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ई, अब इसका जब आप करेंगे इंटीग्रेशन तो आपका आ जाएगा ई फोर पाई आर स्क्वायर ठीक है, क्योंकि हमने किया था अभी, समझ में आपको आ चुका होगा, क्योंकि ई नियत है बाहर चला जाएगा, डी ए का क्लोज इंटीग्रेशन कर देंगे, तो डी ए क्लोज जब इसका सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे तो फोर पाई आर स्क्वायर इसकी वैल्यू होगी, तो इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ई फोर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि वह इस कोष के भीतर कोई भी आवेश नहीं है, तो यहाँ पर जीरो बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका ई फोर पाई आर स्क्वायर आएगा वो आपका आ जाएगा जीरो ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लोग मान लीजिए ई की वैल्यू निकालते हैं
केवल ई की, तो वो भी जीरो आएगा, क्योंकि जीरो बटा ये हो जाएगा 4πr², तो उसकी वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। तो गोलीय कोष के आंतरिक बिंदु पर भीतर भी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो जीरो होगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अतः गोलीय कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब हमेशा, ठीक है, शून्य रहती है, शून्य रहती है। ठीक है, तो गोलीय कोष के पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो शून्य होगी, क्योंकि जो ये गोलीय कोष है इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है, आवेश जो है वो इसके पृष्ठ पर वितरित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग किसी एक समान आवेशित गोलीय चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। मैंने आपको तीनों कंडीशन समझा दिया कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम बाह्य बिंदु पर निकालेंगे तो क्या आएगा, पृष्ठ पर निकालेंगे तो क्या आएगा, और जो आंतरिक बिंदु पर क्या होगा। ठीक है, सब कुछ मैं आपको समझा चुका हूँ। तो आई होप कि आपको ये लॉन्ग डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एक बार में ना आया हो तो आप दोबारा इसको देख सकते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए।